झुकूंगा नहीं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म पुष्पा के बारे में। सो कल मैंने आपको बताया था ट्रेलर अनाउंसमेंट आने वाला है और मैंने डेट भी आपको दिया था कि लगभग फर्स्ट वीक में हमको इसका अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है। और उसी के साथ जो है अनाउंसमेंट आज सुबह 11:07 पर आ चुका है। और अगर डेट की बात करें वही डेट उन्होंने चुना है। मैंने आपको बोला था कि 4-5-6 के अंदर अनाउंसमेंट होगा और 6 दिसंबर को ही डेट अनाउंसमेंट हुआ है। फिलहाल अभी तक टाइम जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आई थिंक वो 2-3 तारीख तक जब शूट ख़त्म हो जाएगा तब ये जो है अनाउंसमेंट करने वाले हैं, यानी कि इसका एग्जैक्ट टाइम की कब ट्रेलर आने वाला है। सो अगर बात करें ब्रांड न्यू पोस्टर की तो तबाही वाला पोस्टर, उनका जो यूनिक स्टाइल है थके दिले, वो स्टाइल का एक पोस्टर वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। और साइड में लिखा है मास फेस्टिवल बिगिंस फ्रॉम December 6। और डेट के हिसाब से जिस तरह का उनका वो स्टाइल और स्वैग दिखने को मिल रहा है उस पोस्टर में, तो पुष्पा जो है रॉक ऑन करने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। 6 दिसंबर ट्रेलर आने वाला है और उसके बाद सारे जो मूवीज़ आएंगे दिसंबर में, मरकर तो है तो उसमें हमको ये सब देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर भी हम लोग इंटरवल के टाइम पे देखेंगे तो काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं हमको देखने को मिलने वाला है दिसंबर में। सो गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले सबको एक रिक्वेस्ट है कि December 2 को जो मलयालम फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है मरक्कर लायन ऑफ अरेबियन सी, और जिस तरह से वहाँ पे मोहनलाल का एक्टिंग देखने को मिल रहा है, वो भी पैन इंडिया रिलीज़ हो रहा है लेकिन ज़्यादा कुछ प्रमोशन नहीं हुआ है। इससे पहले जो मूडी भी आ रहा है, मडी नाम का एक मूवी आ रहा है, उसका भी ज़्यादा कुछ प्रमोशन नहीं हुआ है लेकिन हिंदी में जो है रिलीज़ हो रही है। तो आप लोग कॉन्टेंट को सपोर्ट कीजिएगा जिस तरह पुष्पा को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी फिल्म है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है मोहनलाल के करियर का। तो गाइस, इस फिल्म को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।